वालेकुम बच्चों, ऑनलाइन में आपका स्वागत है, खुशामदीद, वेलकम। आज मैं आपको उर्दू का चौथा सबक पढ़ा रही हूँ और समझा रही हूँ। आज अपना सबक है सफाई। ये तो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है, सफाई जो है। अब सबसे पहले क्या आ रहा है सफाई में? मिसवाक, यानी ब्रश जो करते हैं हम, उर्दू में मिसवाक बोलते हैं। और मिसवाक भी आती है लकड़ी, उससे भी हम कर सकते हैं, अपने मुंह को फ्रेश धो सकते हैं, मान सकते हैं। मिसवाक सेहत, बारिश गली कूचे नेमत। आज का सबक है अपना बच्चों, आज सवेरे बादल खूब जम के बरसा। क्या बता रहे हैं? आज जो बारिश है अच्छी तरीके से हुई है, अब आसमान साफ है, मतलब बारिश हो चुकी है, बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है। बारिश के बाद नीला नीला साफ आसमान कितना प्यारा लगता है, यानी बारिश होने के बाद आसमान धुल जाता है और वो भी साफ लगता है। बच्चों, सफाई क्या ही प्यारी और अच्छी चीज़ है। गौर करना बच्चों, जब हमारी मम्मी या हमारी सिस्टर बहन जो भी सफाई करती है, उसके बाद हमारा मकान कितना साफ सुथरा लगता है और अच्छा लगता है, और बीमारियों से भी हम लोग बचे रहते हैं। हाँ खावर, तू भी अपनी सफाई का ख्याल रखा कर, ताकि सबको प्यारा लगे। एक दोस्त है, उसका छोटा सा दोस्त है, भाई है, तो क्या कह रहा है अपने दोस्त से, भाई से, कि तुम साफ रहा करो ताकि अच्छे लगोगे। सुबह सवेरे उठो बच्चों, हमें अक्सर सुबह सवेरे उठना चाहिए, उससे दिन भर अच्छा रहता है और हमारे घर की अंदर भी सब कुछ अच्छा चलता रहता है और आदत भी अच्छी रहती है। नहाओ धो और साफ पाक साफ हो जाओ। उठो, नहा धो और पाक साफ हो जाओ। हमेशा अपने कपड़े साफ रख, यानी हमें सिर्फ अपने जिस्म की नहीं बच्चों, अपने कपड़ों की भी सफाई रखनी है। दांतों में भी रोज़ाना मिसवाक या ब्रश करना है। नाखून काटने हैं हमें बच्चों, काटना चाहिए हफ्ते में ज़रूर हमें एक बार, किताब वाला ये बता रहा है। बड़े नाखूनों में गंदगी छिपी रहती है, कीटाणु बन जाते हैं उससे हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ये किताब में बता रहे हैं। उसकी जड़ों में रह जाते हैं जम, उसकी वजह से काफ़ी बीमारियां होती हैं। तो गंदे नाखूनों को हमें नहीं रखना चाहिए, ये बीमारी का घर है। गंदे बच्चों को कोई प्यार नहीं करता, जो गंदे रहते हैं अक्सर हम लोग उससे बच के निकलते हैं, और जो साफ़ सुथरे बच्चे होते हैं, ये ना देखो, गंदी गंदी गलियों और कूचों, यानी गलियों और कूचे, यानी जो कोना होता है उसको कूचे बोलते हैं उर्दू में, भी बीमारियां फैलती हैं। अगर हम कूड़ा कचरा गलियों में डालते हैं तो उससे भी काफ़ी बीमारियां पनपती हैं, और उससे हम लोगों को बीमारियां होती हैं और हम लोग बीमारी के शिकार हो जाते हैं। दावर, तू भी साफ रहा कर, अपनी गली कूचों और मकानों को भी साफ रखो, यानी हमें अपने घर नहीं, हमें गली कूचे अपने जो मोहल्ला है उनकी भी सफाई करनी चाहिए और करवाना चाहिए हमें। सफाई तंदुरुस्ती की माँ है। देखिए, माँ के बराबर कहा है सफाई को हमारे लिए, वो इतनी हमारा देखभाल करती है सफाई हमारे जिस्म की। साफ बच्चे हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। इरम, तू भी साफ रहा कर। आज अपना सबक काय पे था बच्चों? सफाई पे था। खूब सफाई अच्छी सेहत, अगर हमको अच्छी तरह साफ रहेंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। नियमत, यानी हमारी जो सेहत है बच्चों, वो सबसे बड़ी अल्लाह ताला की एक नियमत है। हम और चीज़ बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत बाज़ार से नहीं खरीद सकते। ये अल्लाह ताला ने हमें सबसे बड़ी दुनिया में नियामत दी है, इसलिए हमें अपनी सेहत का ख्याल रखनी चाहिए। आज अपना सबक जो था वो काय पे था बच्चों? सफाई पे था। देखो बच्चों, ब्रश कर रहा है यहाँ पर अपना कंघा कर रहा है, यहाँ नाखून काट रहा है, तस्वीर के साथ समझाया है। सबसे पहले उठते हमें हाथ धोना चाहिए, ताकि हमारे कीटाणु सुबह हाथों से साफ हो जाए। अब आप लोग इस सबक को अच्छे से याद करना है आपको, और बुक में इसकी नकल करनी है और याद करना है आपको अच्छे से। कल मैं आपको आगे का सबक बताऊंगी बच्चों, पक्का याद करना है इसको, लिखना है। शुक्रिया।